विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाता सूचियों का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जा चुका है। अभी 1 जनवरी 2019 को 18 साल के होने वाले युवाओं से प्रशासन अपील कर रहा है कि वो नामांकन प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लें और हर युवा मतदान के दिन अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। हरियाणा कांग्रेस की नई अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी के पास हरियाणा को लेकर कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो दोबारा 370 और जम्मू कश्मीर जैसी तमाम बातें कर रहे हैं। सरकार से लोग नाराज हैं और बीजेपी का जो 75 प्लस का मिशन है उसका पूरे तरीके से सफाया होता नजर आ रहा है। 75 तो दूर की बात है, वो अपनी जमानत बचा लें तो ये गनीमत होगी। भिवानी पहुंचे जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने आचार संहिता लगने से पहले 4 जिलों के किसानों के लिए सीएम से विशेष पैकेज देने की मांग की है। दुष्यंत ने प्रदेश के पीड़ित कर्मचारी वर्ग से सीएम के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने की भी सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी टिकट बंटवारे के समय आंतरिक कलह से खत्म हो जाएगी और कांग्रेस की फूट उजागर हो जाएगी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी भिवानी में अपने आवास पर मीडिया से रूबरू हुई। इस मौके पर उन्होंने बिजली, पानी, रोजगार, ट्रैफिक नियमों सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए। किरण चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 वर्षों में भिवानी जिले को न सिंचाई का पानी मिला न पीने का पानी। सरकार की कमी के चलते पानी माफिया पनप रहा है जो लोगों को टैंकरों और कैंपरों से पानी मुहैया करवा रहे हैं। झज्जर पुलिस की अपराध शाखा ने मुठभेड़ के बाद में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से 5 अवैध पिस्तौल और 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पकड़े जाने के बाद में बदमाशों ने हत्या का प्रयास समेत कई अन्य संगीन वारदातों का खुलासा किया। अहमदनगर से जम्मू जा रहे आर्मी के जवान की बाबरपुर रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन से नीचे गिरने से मौत हो गई। मामले की सूचना जीआरपी को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। मृतक व्यक्ति के पास से झेलम एक्सप्रेस की एक टिकट, आर्मी की लीव सर्टिफिकेट और आर्मी का आईडी कार्ड बरामद हुआ। लीव सर्टिफिकेट पर लिखे नंबरों की जांच की गई तो मृतक व्यक्ति की शनाख्त आर्मी के जवान शिंदे प्रवीण के रूप में हुई। जाट समाज सभा हरियाणा ने सभी पार्टियों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में नशे का मुद्दा मुख्य रूप से शामिल करने की अपील की और ऐसा नहीं करने पर जाट समाज उस पार्टी का विरोध करेगा। जिला फतेहाबाद में नशा तेजी से बढ़ रहा है और हरियाणा के नौजवान नशे के शिकार होकर अपराधी बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि जाट समाज ने नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी पार्टियों और लोगों से सहयोग की अपील की। रिवाड़ी के धामलाका गांव में मामूली कहासुनी के बाद में गांव के कुछ दबंगों ने दलित परिवार के घर में घुस करके हमला कर दिया। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद में गांव के कुछ दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि फोन करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फरीदाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी और टक्कर के बाद पहली कार का चालक भाग निकला, लेकिन शख्स ने भागती हुई कार का पीछा किया और दूसरी कार को रुकवाया, फोटो खींचने लगा। इस दौरान वो बोनट पर गिर गया और दूसरी कार का चालक उस शख्स को बोनट पर ही लेकर भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। राजकीय कन्या महाविद्यालय और तिगांव कॉलेज के प्रिंसिपल इकबाल सिंह सिंधु पर 4 सितंबर को हुए हमले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कॉलेज के छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए बल्लभगढ़ तिगांव रोड पर जाम लगा दिया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।